बांके बिहारी मंदिर में हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। योगी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। हादसे पर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस कमेटी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं और जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी गई है। और हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ चुके हैं। रुचि, देखिए जो तस्वीरें वायरल हुई थी, इससे ये साफ हो गया था कि बदइंतजामी किस तरीके से हुई थी, सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था उचित तरीके से नहीं की गई थी। अब इस पूरे मामले में क्या आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए? देखिए, जो जांच कमेटी बनाई गई है उससे ये कहा गया है कि ये कारण देखें कि किस वजह से ये दुर्घटना हुई, उससे ये बात कि वहाँ क्या क्या इंतजाम होने चाहिए थे जो नहीं हुए, इसकी रिपोर्ट ये सरकार को देगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिस तरह की भीड़ इस बार मंदिर में दिखाई दी तो उससे एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि जो मंदिर है उसमें जगह बहुत कम है और श्रद्धालुओं की संख्या तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और आने वाले सालों में ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको लेकर कि जो भीड़ बढ़ रही है, जो श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है, उसको उसके लिए आने वाले समय के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये जांच कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। 15 दिन का टाइम दिया गया और उसके बाद सरकार इस पे कुछ निर्णय लेगी कि आखिर जब अगले साल जन्माष्टमी आए या कोई बड़ा उत्सव जब मंदिर में हो तो इस तरह की जो हमें व्यवस्था वहां दुर्व्यवस्था दिखाई दी वो दोबारा ना दिखाई दे। और इस घटना में 2 लोगों की जाने गई थी, 6 लोग दम घुटने की वजह से बीमार हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मंदिर के अंदर डीएम एसएसपी मौजूद थे, बल्कि अपने फोन के कैमरे से तस्वीरें रिकॉर्ड करते हुए नजर आ रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।